ने दिशा रवि को किया गिरफ्तार। क्यों हुई दिशा रवि की गिरफ्तारी? किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश, टूलकिट के पीछे खालिस्तानी साजिश। ग्रेटा थॉर्नबर्ग टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी के जरिए दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश खोजने में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया, जिसके बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि दिशा पर आरोप है कि एक्टिविस्ट दिशा रवि ने ही किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट को एडिट किया था और उसे आगे भेजा था। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस पर हुए लाल किला हिंसा के साथ साथ टूलकिट मामले की जांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूलकिट का मकसद भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचना है। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच के दौरान ग्रेटा थॉर्नबर्ग द्वारा टूलकिट को अपलोड करने की बात का खुलासा हुआ था, जिसके बाद उसे डिलीट भी कर दिया गया था। बता दें कि एक डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली और 2 मार्च को जो एक अन्य कार्यक्रम किसानों की तरफ से निर्धारित किया गया है, उसको ज्वाइन करना है। इसके साथ ही टूलकिट को वॉच करना है कि कैसे दिल्ली में प्रवेश करना है और कैसे वापस बॉर्डर पर जाना है, इसके लिए लोगों को इस टूलकिट के जरिए बताया गया था। कौन है दिशा रवि? दिशा रवि 21 साल की है, जो बेंगलुरु में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थॉर्नबर्ग की तरह दिशा रवि भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। दिशा इस कैंपेन से 2018 से जुड़ी है। इस कैंपेन के जरिए दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर मुहिम चला रही हैं। दिशा रवि पर क्या है आरोप? दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा ने टूलकिट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और उसे वायरल करने में अहम भूमिका निभाई थी और व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था और टूलकिट तैयार करने में सहयोग किया था और ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी डी न्यूज़।